हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो विल कवर अ क्वेश्चन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एनडीए 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया था, हाँ क्वेश्चन नहीं लिया, क्वेश्चन में एक हमारी एपी दी थी जिसका रेशियो था पी ए और पी बी। दो पी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म्स और ए पी ए, ऐसी सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी। इनका जो रेशियो दिया था वो दिया था 5n+4:9n+6। ये हमें रेशियो दिए थे। अब इससे देखो कैसे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए टू डेट ऑफ पी। तो सबसे पहले आपको इससे टर्म्स कैसे निकलेंगे ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत सिंपल है टर्म्स का रेशियो निकालना, जैसे हम टी ए अपॉन टी बी निकालना चाहें। ध्यान से देखने, बहुत सिंपल है। और बहुत जो एन है उसके जो कांस्टेंट है उसके साथ कोफिशिएंट उसका दोगुना कर दो, तो 5 2 10, और इन दोनों का डिफरेंस 4 और 5 का, तो 4 में से 5 गए -1। ऐसे यहाँ पर ये एन और आएगा इसके साथ 10n, ऐसे इसका दोगुना 9 का दोगुना 18n, -6 में से 9 गए 3। तो ये हमारा आ गया टर्म्स का रेशियो। अब सिंपली जिसमें भी पूछ रहा है, बट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का बताना है तो एन की जगह 1 रख दो। 10 में से 1 गए 9 और 18 में से 3 गए 15, तो कितना आ जाएगा 3/5। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बस ये है, अगर आपको सम का रेशियो दिया तो टर्म्स का रेशियो कैसे निकालेंगे। जो एन कोफिशियंट वेरिएबल दिया उसके जो कोफिशियंट है उसका दोगुना कर दो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो एन के साथ है और जो एन के साथ नहीं है उन दोनों का। ऐसे यहाँ पर कराया हमने। अब जिससे भी पूछे, जैसे आप फर्स्ट टर्म पूछा तो हमने 1 रख दिया, सेकंड टर्म पूछता तो 2 रख देते। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बट व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म। अभी हमने फर्स्ट का निकाला था, अब ऐसे 10th का क्या होगा। अब वो जो टर्म्स आए थे टी ए अपॉन टी वी, रेशियो आया था उसका 10n-1, 18n-3। अब देखो 10 का निकालना, तो 100-1 99 और 180-3 177। अब देख लो किससे, 3 से 7 7 14 और 115, तो 3 से ये 33 टाइम्स और ये 3 से 59 टाइम्स, तो 33/59। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन था, ये एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ बी। जो स्मॉल डी है वो ए ए ए पी जो ए थी उसका कॉमन डिफरेंस, और जो ए पी बी थी उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। देखो अभी जो हमने ए पी और जी पी जो हमें दी थी उसमें जो सम दिया था फर्स्ट ए पी का और जो सम दिया था फर्स्ट बी जी ए पी का, वो दिया था उसका हमें 5n+4/9n+6। ठीक है, अब इससे टर्म वो कैसे निकालें कॉमन डिफरेंस। डायरेक्ट डायरेक्ट निकालने का ये तरीका, जो ऊपर है उसका हाफ कर दो, जो एन के साथ कोफिशियंट है उसका हाफ कर दो, तो 5 का हाफ 2.5 और 9 का हाफ 4.5। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आ गया। जो ए पी ए थी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसका हाफ 2.5, ऐसे बी ए पी का हाफ 4.5 इसका। अब देख लो कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, बी ए पी का कॉमन डिफरेंस बड़ा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। अब देखो ये आपके 7.5 मार्क्स हो जाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको मैंने समझाया तो इसलिए टाइम लगा, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।